हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसारपुर क्लासेस। दोस्तों आइए, दोस्तों आज हम सॉल्व करते हैं एसटी यादव के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। 1 से 10 तक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मैं करवा चुका हूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि 100 और 200 के बीच ऐसी संख्या जो 3 से गुणा करके बनी हो, तो इसके बीच कौन सी बनी होगी जो 3 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए, वो कौन सी हो जाएगी? 102 हो जाएगी। उसके बाद 103 नहीं कटेगी, 104 नहीं कटेगी, 105 कट जाएगी। इस तरह डैश करते हुए लास्ट में कट जाएगी कौन सी? 198। यानी हमारी सीरीज क्या बन रही है? 102 से लेके 198 तक। अब दोस्तों हमें पता करना होता है कि इनके बीच कितने नंबर हैं, तो नंबर निकालने की ट्रिक क्या है आप देख लीजिए। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ और यहाँ फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, लास्ट वाली संख्या लेना है, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या क्या कर देना है? घटा देना है, जो हमारी सीरीज चल रही। और हमें देखना इनके बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, और कर देना है +1। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 198 में से 102 घटाएंगे कितना आ जाएगा? घटाएंगे 10 में से 2 जाए कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 8। तो कितना आ गया? 96/3+1 काट देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 3, 2 = 6। तो 32 × 1 = 33, यानी नंबर हमारे टोटल कितने आ गए? 33 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका योग निकाल लेते हैं। और योग का आपको मैट्रिक बता चुका हूँ क्या होता है, n/2 a+l। तो n मतलब नंबर हमने कितने निकाले हैं? 33 निकाले हैं। a मतलब प्रथम संख्या कौन सी है? 102 है। प्लस l मतलब लास्ट संख्या 198। ठीक है दोस्तों, अब बटे में कर देंगे 2, तो कितना आ गया? 33/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 0, 9 × 1 = 0, 1 × 1 = 3। इसको काट देंगे तो कितने बार कट में कट जाएगा? 150 बार में। इसका हम गुणा करा देंगे तो 15 × 3 = 45 हासिल 4, 15 × 3 = 45, 4 × 49 और ये 0 कितना आ गया? 4950 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? यहाँ पर क्या गया? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक कहा गया। अब विषम प्राकृतिक संख्याओं की ट्रिक क्या होती है? n² यानी कितने नंबर दिया हुआ? 20, और 20 का हम स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा मित्रों? 400। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 72। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमने मित्रों आपको बताया था कि जब योग दिया हो और क्रमागत संख्याएं भी दी हुई हो, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? मिड नंबर, यानी बीच की संख्याएं। तो योग में जितनी क्रमागत संख्याएं कहता है उसका हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो कितने बार में कट जाएगा? ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, यानी 24। बीच की संख्या क्या आ गई? 24। अब इसके बाद क्या कहा गया? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 24 के बाद जो बड़ी संख्या कटने वाली वो कौन सी होगी? वो संख्या होगी कौन सी? 27। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कहा गया है। 101 + 102 + 103 कहाँ तक? 200 तक का हमें योग निकालना है। हमने बताया मित्रों, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? नंबर निकालना होगा। तो नंबर निकालने की ट्रिक क्या है? सबसे लास्ट नंबर में शुरुआत वाला नंबर घटा देंगे और भाग दे देंगे। इनके बीच में कितने का अंतर चल रहा है? 1 का अंतर चल रहा है। देखिए, तो 1 से भाग दे देंगे और 1 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा? नंबर निकल आएगा। तो हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 100 में से 1 जाएगा 9, तो ये 10 में से वो बचा कितना? 9 में से 0 हो गया 9, 1 का भाग दे देंगे +1, तो 99 और 1, यानी नंबर कितना निकल के आया? नंबर निकल के आ गया 100। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? हमें योग निकालना है।
हमें योग निकालना है। तो क्या है, नंबर बटे दो, ए मतलब कि शुरुआत वाली संख्या 101 प्लस क्या कर देना, लास्ट वाली संख्या 200। तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 गुणे इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे 10 और ये कितना आ जाएगा, 213 यानी 301। ठीक है मित्रों, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, 5 91 5, 5 00 5 23 15 और ये वाला 10 यानी कितना आ गया, 15050। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमने बताया था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, योग में जितने क्रमागत कहता है उसका हम क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कितने बार में जाएगा, 3 7 21, 1 बढ़ गया 3 5 15। अब ये हमारी बीच वाली संख्या निकल आई, ये 75 हमारी बीच वाली संख्या निकल आई और कह रहा सबसे बड़ी संख्या। तो उसने कितनी संख्या कहा, 3 संख्या, तो एक संख्या इधर होगी 5 से कटने वाली, एक संख्या इधर होगी 5 से कटने वाली। तो 75 के बाद कौन संख्या जो 5 से कटेगी, 80, ये हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। ठीक है मित्रों, अगर इसमें कहा होता कि छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या क्या हो जाती, छोटी संख्या हो जाती 70, यानी क्या आंसर क्या आया, 80, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 91 + 92 + 93 कहाँ तक, 140 तक। हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना, नंबर निकाल लेना है, क्या निकाल लेना, नंबर निकाल लेना है। तो नंबर कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई है, सबसे लास्ट संख्या उठाइए, उसमें प्रथम संख्या क्या कर देना है, घटा देना है, बटे कर देना है जो इनके बीच में अंतर चल रहा है, कितने कितने का अंतर चल रहा है, एक एक का, और प्लस कर देना है 1। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया कितना आ गया, 9, और 13 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा, 4, अब बटे 1 प्लस कर देंगे क्या 1, तो कितना आ गया, आ गया 50। अब हमें क्या निकाल लेना है, हमें योगफल निकाल लेना है। तो योगफल कैसे निकालते हैं, नंबर बटे 2, नंबर कितना आया 50, 50 बटे 2 प्रथम संख्या लिख लेनी है और प्लस लास्ट संख्या लिख लेनी है। इसको काट देंगे कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कितना आ गया, 25 आ गया, गुणे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 9 4 13 3 1 और ये हो जाएगा 2। इसको हम गुणा करा लेते हैं तो 25 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 25 3 75, 75 2 77 के 7 हासिल 7, और 25 2 75 और 25 2 50, 50 7 57 यानी आ जाएगा 5775। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, 4 विषम संख्याओं का योग, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बीच वाली संख्या। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों जिसमें कह दे क्रमागत इतने संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे पहले हमें बीच वाली संख्या निकाल लेनी है। अब बीच वाली संख्या कैसे निकलती है, तो योग में हमें क्या कर देना है, जितनी क्रमागत संख्या कहा है उससे हमें दे देना है भाग। तो 4 91 4, 4 5 20, 4 2 8। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 52, कितना आ गया, आ जाएगा 52, ये 52 हमारी बीच वाली संख्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें कहा क्या गया है, 4 विषम संख्याएं और ये तो सम संख्याएं हैं, तो उसने विषम संख्या कहा, तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी। उसने विषम बड़ी संख्या कहा है, तो 51 के बाद विषम कौन सी आ जाएगी, 53 आ जाएगी, 53 के बाद विषम कौन आ जाएगी, 55 आ जाएगी, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कौन सी होगी, 55 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2 संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 9 है। ठीक है, अंतर कितना है, 9 है। हमने 2 संख्याएं क्या मान ली, x और y, उनके बीच कितना अंतर है, 9। उनके वर्गों का
वर्गों का अंतर कितना है? 200। तो इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 207 है। इसको हम क्या मान देते हैं? समीकरण एक मान देते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, कितना दिया हुआ है? 207। ठीक है दोस्तों, अब एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। देखिए सॉल्व करते हैं तो 207 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यहाँ से आया एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 23। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 23 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अब विकल्प से सॉल्व करते हैं, ऐसी कौन संख्या है जिनका योग, दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। तो 17 और 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा नहीं, तो 16 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 और उनका अंतर कितना है? 20 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? यहाँ पर यह कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, हमने दो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? एक्स और वाई, उनका योग कितना दिया हुआ? 80। क्या मान लेते हैं? समीकरण एक, और उनके और उनका अंतर यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 20। समीकरण दो मान लेते हैं, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या पूछ लिया? इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम समीकरण एक और समीकरण दो का आपस में गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई गुणे एक्स माइनस वाई, और इधर इसका गुणा करा देंगे तो 80 गुणे 20। इसका जब आपस में गुणा कराएंगे, देखिए मित्रों ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी कितना आ गया? 1600। यही उसने क्या किया था? पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना है? तो अब वो संख्या क्या है? अनुपात में दी हुई हैं, देखिए जो संख्याएं हैं वो किस में दी हुई हैं? अनुपात में। ठीक है दोस्तों, अनुपात में दी हुई है, और जब हम अनुपात से हटाते हैं तो इनके बगल में क्या लग जाते हैं? एक्स लग जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई, इन दो संख्या में कोई ऐसी संख्या रही होगी जो आपस में क्या हो गई होगी? कट गई होगी। तो हमारी संख्या क्या निकल आई? एक निकल आई एक्स, और एक निकल आई क्या? 5x। कह रहा उन दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 320 है। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 6 30, 2 बड़ा 5 चौक 20, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 8। तो एक्स बराबर 8 आ गया। तो देखिए हमारी संख्याएं क्या थी? हमारी संख्याएं, जो संख्या थी, संख्याएं एक थी एक्स, जिसमें एक्स का मान कितना निकल के आया? 8। और दूसरी संख्या क्या थी? 5x। तो x की जगह पर जब 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8×5=40। कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर क्या पूछा है? वर्गों के बीच अंतर, यानी इन दोनों संख्या, जो हमारी दो संख्याएं निकली हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं का वर्ग कर देना है। 40 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 40 का स्क्वायर करें कितना जाएगा दोस्तों? 1600, और 8 का स्क्वायर करें कितना जाएगा? 64। तो घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गए 3, ये बच गया 5 1, यानी कि 1536 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।